Hello everyone, I am Mamta Jain, lecturer electronics from GPC CHITTORGARH. Previous lecture में हमने number system representation and decimal to binary conversion पढ़ा था. आज हम decimal to octal and decimal to hexadecimal conversion पढ़ेंगे. सबसे पहले देखिए, मैंने previous lecture में आपको बताया था कि decimal to octal conversion करने के लिए हम उसको continuously 8 से divide करते हैं, अगर वो integer number है तो. और अगर वो fractional number है तो decimal to octal conversion के लिए हम उसको continuously 8 से multiply करते हैं. अब ये multiplication and division के जो process है वो example के through मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले देखिए, हम decimal to octal conversion पढ़ते हैं. एक example ले हम ले रहे हैं 1486 in decimal, इसको हमें octal में convert करना है. तो octal में convert करने के लिए हम इसको 1486 को 8 से continuously divide करेंगे. मैं 1486 को 8 से डिवाइड कर रही हूँ. इस तरह से मैंने 1486 को 8 से डिवाइड कर लिया है. 185 जो है वो मेरा क्वेश्चंट है और जो 6 है वो मेरा रिमाइंडर है. क्वेश्चंट और रिमाइंडर को हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे. क्वेश्चंट को हम इधर लिखेंगे एंड रिमाइंडर को इधर लिखेंगे. नाउ अगेन 185 को हम 8 से डिवाइड करेंगे. 23 है एंड रिमाइंडर है 1. मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, 23 क्वेश्चंट एंड रिमाइंडर इज 1. अगेन हम 23 को 8 से डिवाइड करेंगे. क्वेश्चन 2 एंड रिमाइंडर 7. फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है बिकॉज 2 इज लेस देन 8. तो हम यही स्टॉप कर देंगे इस प्रोसेस को एंड 2 को यहाँ पे 7 के नीचे राउंड डाउन कर लेंगे. तो MSD हो गया मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड ये हो गया LSD लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. हम ये जो रिमाइंडर है हम इसको बॉटम टू टॉप रीड कर लेंगे. 2716 ये हमारा आंसर है. इस तरह से हमने 1486 जो बेस 10 में है उसको हमने बेस 8 में कन्वर्ट कर लिया है. एक एग्जांपल और देखते हैं जो फ्रैक्शनल पार्ट है. यहाँ मैं इनका एग्जांपल ले रही हूँ 0.65 इन डेसिमल, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है. फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए हम डिवीजन वाली प्रोसेस नहीं यूज करते, हम मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोसेस यूज करते हैं. मल्टीप्लीकेशन वाली प्रोसेस में ये जो नंबर है हम उसको सबसे पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. एट से मल्टीप्लाई करने पे हमें 5.20 मिला. इसमें हम अगेन इंटीजर पार्ट को स्किप करके जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको अगेन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. वापस से इंटीजर पार्ट को छोड़ के फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे. अगेन इंटीजर पार्ट को छोड़ के फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे. इस तरह से ये हम प्रोसेस 3 और 4 डेसिमल पॉइंट तक करेंगे. यहाँ पे जो इंटीजर पार्ट है हम उसको टॉप टू बॉटम नोट डाउन कर लेंगे. सबसे पहले है 5, देन 1, देन 4 एंड 6 और यहाँ पर एक पॉइंट पुट कर देंगे. ये 0.65 है, ये इसका आंसर है, ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया है. नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल जिसमें इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट दोनों है. सबसे पहले देखिए हम इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करते हैं. फाइव सिक्सटी एट को हम 8 से डिवाइड करेंगे. फाइव
इस तरह से कंप्लीट डिवाइड हो गया है. क्वेश्चन है 71 एंड रिमाइंडर है 0. इसको हम यहाँ नोट ऑन कर लेंगे. देन अगेन 71 को 8 से डिवाइड करेंगे. क्वेश्चन आएगा 8 एंड रिमाइंडर 7. अब 8 को वापस 8 से डिवाइड करेंगे. फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है बिकॉज 1 इज लेस देन 8. यहीं स्टॉप कर लेंगे एंड 1 को यहाँ पे 0 के नीचे नोट डाउन कर लेंगे. अब ये जो रिमाइंडर है हम इसको बॉटम टू टॉप रीड कर लेंगे. सबसे पहले है 1, देन 0, देन 7 एंड देन 0. ये हमने इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट कर लिया है. फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लीकेशन वाली प्रोसेस यूज करेंगे. 0.124 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ आया 0.992. इंटीजर पार्ट 0 है. अब फ्रैक्शनल पार्ट को लेके वापस से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. सॉरी 0.992. इट्स 7.936. इसमें भी हम इंटीजर पार्ट को स्किप कर देंगे एंड फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे. 0.936 मल्टीप्लाई बाय 8. अगेन फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे. इसको हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड कर लिया है. उतना इनफ है. अब हम इसमें जो इंटीजर पार्ट आया है उसको हम टॉप टू बॉटम रीड कर लेंगे. सबसे पहले है 0, देन 7, देन 7 एंड 3 और यहाँ पर एक पॉइंट पुट कर देंगे. इन दोनों आंसर को हम कंबाइन कर लेंगे. इट्स 1070.0773. ये आंसर है. नाउ हमने डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन पढ़ लिया है. अब हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पढ़ेंगे. डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हम इंटीजर पार्ट अगर कन्वर्ट करना है हमें तो कंटिन्यूसली 16 से डिवाइड करेंगे और अगर फ्रैक्शनल पार्ट कन्वर्ट करना है तो हम कंटिन्यूसली 16 से मल्टीप्लाई करेंगे. एग्जाम्पल में देखते हैं अब ये डिविजन और मल्टीप्लीकेशन की प्रोसेस. सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया है 590 प्लस 10. इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 590 को हम कंटिन्यूसली 16 से डिवाइड करेंगे. यहाँ देखिए क्वेश्चन 36 है एंड रिमाइंडर 14 है. हम इसको यहाँ नोट डाउन कर लेंगे. क्वेश्चन को इधर लिखेंगे एंड रिमाइंडर को इस तरफ लिखेंगे. अगेन 36 को हम 16 से डिवाइड करेंगे. क्वेश्चन इज 2 एंड रिमाइंडर इज 4. फर्दर डिविजन पॉसिबल नहीं है बिकॉज 2 इज लेस देन 16. तो इस 2 को हम 4 के नीचे नोट डाउन कर लेंगे एंड ये जो रिमाइंडर है हम इसको बॉटम टू टॉप रीड कर लेंगे. इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 14 होता है हेक्साडेसिमल में उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम यहाँ पे 14 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे? ई. तब हम इस रिमाइंडर को रीड करते हैं 2, 4 एंड ई.
ये जो 590 है ये इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करते हैं। मैंने एग्जांपल लिया 0.16 इन बेस 10, इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। 0.16 है, हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.56। इंटीजर पार्ट को छोड़ के हम फ्रैक्शनल पार्ट को वापस से लेके मल्टीप्लाई करते हैं 16 से। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इट्स 8.96। अगेन मैं इंटीजर पार्ट को स्किप कर रही हूँ एंड फ्रैक्शनल पार्ट को मैं 16 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अगेन इंटीजर पार्ट को छोड़ के फ्रैक्शनल पार्ट को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स 5.6। मैंने ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड किया है। मैंने पहले आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल में हम 14 को ई लिखते हैं, सेम इज इन हेक्साडेसिमल में, यहाँ पे 15 आ रहा है तो 15 को हम एफ लिखते हैं। हम अब ये जो इंटीजर पार्ट है इसको टॉप टू बॉटम रीड कर लेंगे। सबसे पहले है 2, देन 8, देन एफ एंड देन 5। एक पॉइंट पुट करना है यहाँ पर। इस तरह से हमने 0.16 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल जिसमें इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों हैं। यहाँ पे 34509.64 इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं इंटीजर पार्ट को 16 से डिवाइड करूंगी एंड जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.64 उसको हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 3509 को हम 16 से डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन है 219 एंड रिमाइंडर है 5, इसको हमने नोट डाउन कर लिया है। अगेन 219 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन है 13 एंड रिमाइंडर है 11। अब फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है बिकॉज 13 इज लेस देन 16, तो हम यहीं स्टॉप कर देंगे और इस 13 को 11 के नीचे नोट डाउन कर लेंगे। अब जो रिमाइंडर है हम उसको बॉटम टू टॉप रीड कर लेंगे, बट 11 और जो 13 है उसको हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम 13 को हेक्साडेसिमल में डी लिखते हैं एंड 11 को हेक्साडेसिमल में बी लिखते हैं। अब हम रीड करते हैं रिमाइंडर को, सबसे पहले डी देन बी एंड देन 5। ये हमने इंटीजर पार्ट कन्वर्ट कर लिया है। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट कन्वर्ट करने के लिए 0.64 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट 10.24। इंटीजर पार्ट को छोड़ के फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 3.84। अगेन इंटीजर पार्ट को छोड़ के फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 13.44। अगेन इंटीजर पार्ट को छोड़ के फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 7.04। ये हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड कर लिया है। अब हम जो इंटीजर पार्ट है उसको टॉप टू बॉटम रीड कर लेंगे, बट सबसे पहले हमें 10 और जो 13 है उसको हेक्साडेसिमल में लिखना है। हेक्साडेसिमल में 10 को हम ए लिखते हैं और 13 को हम डी लिखते हैं। अब मैं ये जो इंटीजर है इसको टॉप टू बॉटम रीड कर रही हूँ, सबसे पहले ए देन 3 देन डी एंड देन 7। एक पॉइंट पुट कर देंगे इन हेक्साडेसिमल। इन दोनों आंसर्स को हम कंबाइन कर लेंगे, इट्स डी बी 5.83D7 बेस 16। इस तरह से हमने ये जो 3509.64 बेस 10 है इसको हमने बेस 16 में कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू।